हेलो फ्रेंड्स, कुक विद रजनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी बनने वाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसका नाम है नान खटाई। जिसका नाम लेते ही सभी के मुंह में पानी आ जाता है। फ्रेंड्स, ये रेसिपी आज हम घर पे ही बना के तैयार करेंगे। बहुत ही कम चीज़ों के साथ ये रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी। जो नॉर्मल चीज़ें हमारे घर में हमेशा रहती हैं उन्हीं से हम आज नान खटाई बना के तैयार करेंगे। हमेशा की तरह रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक के नीचे क्लिक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें और न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। आइए तो बनाना शुरू करते हैं मुँह में घुल जाने वाली नान खटाई। नान खटाई बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बड़ा बर्तन लेंगे और उसमें डालेंगे आधा कप शुद्ध देसी घी। अगर आपके पास देसी घी नहीं है या फिर आप लेना नहीं चाहते तो आप वनस्पति घी या फिर बटर भी ले सकते हैं। अच्छी तरह फेंट लेंगे इसको फ्लफी होने तक। अब ऐड करेंगे एक कप पाउडर शुगर। थोड़ा थोड़ा डाल के इसको मिक्स करते जाएंगे। अच्छी तरह फेंटते हुए इसे तब तक फेंटना है जब तक हमारा ये मिक्सचर थोड़ा सा फ्लफी ना हो जाए। जितना हम इसे फेंटेंगे उतना ही हमारी नान खटाई अच्छी बन के तैयार होगी, क्योंकि हम अपनी नान खटाई बनाते वक्त बेकिंग सोडा या फिर बेकिंग पाउडर का यूज़ नहीं कर रहे हैं आज। ये देखिए बिल्कुल क्रीम की तरह हमारा ये बैटर बन के तैयार हो गया है। और अब एक स्ट्रेनर की हेल्प से हम छान के तैयार करेंगे एक कप मैदा, आधा कप बेसन। मैदा की जगह आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। दो बड़े चम्मच सूजी, सूजी से बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा हमारी नान खटाई के अंदर। और इनको छान लेंगे मिक्स करते हुए। फ्रेंड्स, ऐसा करने से हमारी नान खटाई बहुत ही अच्छी बन के तैयार होगी, बिल्कुल मार्केट जैसी। जो इसमें लम्स होंगे वो निकल जाएंगे, जो लम्स हैं इनको हटा देते हैं और इनको हल्के हाथ से मिक्स कर लेते हैं। और अब ऐड करेंगे हाफ टी स्पून इलायची पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। हल्के हाथ से इनको मिक्स कर लेते हैं। आप चाहे तो चम्मच हटा के हाथ से इसे हल्के हाथ से मिक्स करते जाना है। याद रखना है आपको कि बहुत टाइट हाथ से इसे हमें नहीं गूंदना है, नहीं तो हमारी जो नान खटाई है वो अच्छी तरह से फ्लफी नहीं बनेगी। हल्के हाथ से हमें इसे बाइंड करना है। अगर आपको लगे कि आपका मिक्सचर थोड़ा सा बाइंड नहीं हो रहा है तो आप इसमें एक या दो चम्मच दूध का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर घी डाल सकते हैं। ये देखिए हम अपने मिक्सचर को एक डो की फॉर्म में ले आए हैं। हल्के हाथ से हमने इसे तैयार कर लिया है। अब हम इसे 5 मिनट रेस्ट करने के लिए रख देंगे और अपनी कढ़ाई को प्री हीट करने के लिए तैयार करेंगे। यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ले ली है, गैस का फ्लेम हमने लो टू मीडियम रखा है। और अब इसके सरफेस पे हम फैला देंगे ये नमक इसके तली पे और रख देंगे एक जाली स्टैंड और इसको 7 से 8 मिनट तक हम प्रीहीट होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे हमने एक थाली ले ली है और उस पर बटर पेपर लगा के उसको घी से अच्छी तरह ग्रीस कर दिया है ताकि बेक करने के बाद जब हम अपनी नान खटाई निकालें तो वो आसानी से निकल सके। आप कोई भी प्लेट या फिर ऐसा बर्तन ले सकते हैं जो आपकी कढ़ाई में फिट बैठे और उसमें इसी तरह आप उसको ग्रीस करके तैयार कर लें। अब हम नान खटाई बनाना शुरू करते हैं। एक पोर्शन लेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा हमें नान खटाई नहीं बनानी है क्योंकि बनाने के बाद इनका साइज़ डबल होता है। इस तरीके से हथेलियों की हेल्प से इस तरीके से हल्का सा यहाँ पे छेद कर देंगे हम ताकि इसमें हम ड्राई फ्रूट्स लगा सकें। इसी तरह हम अपनी सारी नान खटाई बना के तैयार कर लेंगे। हथेलियों की हेल्प से हल्का सा प्रेस करेंगे और यहाँ पे एक छेद सा कर देंगे जिससे हम ड्राई फ्रूट की गार्निश कर सके इस पर। ये देखिए हमने अपनी सारी नान खटाई बना के तैयार कर ली है। अब हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, इनको हम ऊपर से गार्निश कर देंगे ताकि ये देखने में भी अच्छे लगे। ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स, आप
डालें या फिर स्किप भी कर सकते हैं। सभी पे हम ऐसे लगा के तैयार कर लेंगे। तब हम इनको प्रीहीटेड कढ़ाई में बहुत ही सावधानी के साथ रख देते हैं और इसको लगभग 20 मिनट तक स्लो फ्लेम पे बेक होने देते हैं। 15 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। अगर आप अवन में बना रहे हैं तो 180 डिग्री प्री हीटेड अवन पे 20 मिनट के लिए इसे बेक कर सकते हैं। ये देखिए 25 मिनट हो गए हैं। हम अपनी नान खटाई चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना अच्छा कलर आया हमारी नान खटाई पे। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ये देखिए हमने अपनी नान खटाई बाहर निकाल के ठंडी कर ली है और हमारे नान खटाई पे बहुत ही अच्छा कलर आया। आप देख सकते हैं इक्वल सभी बहुत ही अच्छी बन के तैयार हुई है। देख सकते हैं आप पीछे से भी अच्छी तरह से बेक हुई है। मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा अंदर तक बेक हुई है और बहुत ही अच्छी हमारी नान खटाई बन के तैयार हुई है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। ये देखिए हमने अपनी नान खटाई को सर्व कर दिया है। बहुत ही अच्छे हमारे बिस्किट बन के तैयार हुए हैं। फ्रेंड्स आप भी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें लॉकडाउन के दौरान और अपने फैमिली और बच्चों के साथ इंजॉय करें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।